हेलो स्टूडेंट्स, की हाल चाल ने सारे का। उम्मीद करता कि तुम सारे बहुत वधिया होवोगे, सेफ होवोगे, सुरक्षित होवोगे। सारे नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आप करन जा रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज को ऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास हैगी अपनी 10th। इस क्लास तो पहला आप मतलब कि इस क्लास के सात सवाल है जेडे वो कर ले सके। अज आप 8वां 9वां ते 10वां सवाल जेडे तीन दे लास्ट सम रह गए आ वो आप करांगे। तो इसका जो 8th सम है, 8th सम की मैं तुहानू रकम दसदा। जेकर ए एंड बी क्रमवार दिस ते दिस होन तां बिंदु पी दे निर्देशक अंक पता करो, तां कि ए पी बराबर 3/7 ए बी होवे अते पी रेखाखंड ए बी ते स्थित होवे। जो इंग्लिश है, इंग्लिश दे विच कहंदा इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ए जिहड़ा पॉइंट है वो है -2 ते -2 है। जिहड़ा बी पॉइंट है ओ कहंदा कि 2-4 है, रिस्पेक्टिवली है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, मतलब कि इस दे निर्देशक अंक है जिहड़े ओह पता करने हैं। सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी होवे। पी लाइज इन द लाइन सैगमेंट, जिहड़ा पी बिंदु है कहंदा ओ लाइन सैगमेंट दे उपर होना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने की चीज दिती है, अपन दिती है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। यह चीज उसने अपन दिखी हुई है। आप करना पड़ेगा जो ए बी है इन ए पी के नीचे ले आवेंगे, ए बी बन जाएगा इज इक्वल टू 3/7 ले आवेंगे। जो 3/7 हो जाएगा तो आप की है जो आह स्टेटमेंट दिखी हुई है, इस स्टेटमेंट उल्ट करके भी लिख सकते हैं। जिम्मे की मतलब कि आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं ए बी आप उपर कर सकते हैं, ए पी नीचे कर सकते हैं इज इक्वल टू। उस तरीके 7 भी उपर चला जाएगा, उस तरीके 3 भी नीचे आ जाएगा। यह दोनों स्टेटमेंट है आपस सेम रहनगिया, क्योंकि ए पी के बराबर 3 सी, ए पी के बराबर 3 आ गया, ए पी के बराबर 7 सी, ए पी दे इक्वल टू 7 आ गया। हुण असीं की करांगे, बोथ साइड 1 सबट्रैक्ट। ठीक है, बोथ साइड 1 है जिहड़ा वह सबट्रैक्ट करांगे। जेकर बोथ साइड असी 1 सबट्रैक्ट करांगे तो अपने कोले बन जाएगा ए बी बटा ए पी -1 इज इक्वल टू 7/3 इज -1। ठीक है, तो इन बटा आप एलसीएम लवेंगे बेटे, आह अपने कोले बन जाएगा ए पी, ए पी इज इक्वल टू ए पी 1 आ गया, 1 नू ए बी ना मल्टीप्लाई किया, ए बी हो गया माइनस ए पी हो गया इज इक्वल टू कितना बन गया 3। ये आ गया 7 एंड बेटा 1 लगेगा, 1 1 3 इज इक्वल टू 3, 3 1 1 इज इक्वल टू 3। तो आपने बोले कि आ गया ए बी माइनस ए पी बटा ए पी इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो हुण की हो गया भी उन्होंने अपने लाइन सैगमेंट के उत्ते पी बिंदु दिता होया सीगा, तां लाइन सैगमेंट के उत्ते जिहड़ा पी बिंदु दिता सीगा अपने कोले की बन गया ए बी। ए बी सारा हो गया, ए बी दे विचों जेकर असी ए पी घटा देंगे, ठीक है सबट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने को की बन जाएगा बी ते पी बन जाएगा बी पी बटा ए पी। तो यह कितना आ गया 4/3। इन का मतलब की हो गया भी जोड़ा बी पी है वह अपने को 4 है, जो ए पी है वह अपने को 3 दिता हुआ, यानी कि जोड़ा ए पी है वह अपने को 3 सैगमेंट के उत्ते है। ठीक है, जोड़ा बी पी है वह अपने को 4 है। इस तरीके तो बाद हुण आपां इन्हां दे निर्देशक अंक है जिहड़े कोऑर्डिनेट्स है जिहड़े वह आपां फाइंड आउट कर सकते हैं। इहदे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करन दे लई एक्स बराबर मैं तुहानूं दस्सिया सीगा आह M1 हुंदा, आह M2 हुंदा, आह X1 है इह Y1 है, आह X2 है इह Y2 है। फार्मूला होंगे M2 X1 + M1 X2 / M1
प्लस एम टू जो वाई सैगमेंट है, वाई सैगमेंट का होंगे एम टू वाई वन एम वन वाई टू एम वन प्लस एम टू एम टू है, एम टू अपने को फोर दिता हो एक्स वन है जी एक्स वन माइनस टू दिती हुई है एम वन थ्री दिता हो एक्स टू है जी अपने को टू दिती हुई है बाई एम वन है जी थ्री है एम टू है जरा फोर है प्लस माइनस 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 का एट बन गया प्लस थ्री वन जा टू इज इक्वल टू सिक्स फोर से थ्री एड किया सैवन बन गया प्लस माइनस माइनस तो यह बन गया माइनस टू बाई सैवन ये अपने को एक्स के सैगमेंट आ गया एम टू है जी अपने को फोर दिती हुई है एक्स वन है जी माइनस टू दिती हुई है एम वन थ्री दिती हुई है वाई अपने को वाई टू है जी है माइनस फोर एम वन अपने को थ्री है एम टू है जी अपने को फोर है फोर में जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को बन जाएगा माइनस एट प्लस माइनस माइनस बन गया फोर न थ्री न मल्टीप्लाई किया तो अपने को आ गया ट्वेल्व फोर के थ्री एड किया तो अपने को आ गया सैवन तो माइनस माइनस प्लस बन गया ट्वेल्व से एट कि बन गया माइनस का ट्वेंटी बाई सैवन तो यह अपने को आ गया वाई के निर्देशक अंक आ गए वाई के कोआर्डीनेट्स आ गए तो इस तरीके एक्स वाई के जो कोआर्डीनेट्स है वह आप फाइंड आउट कर सकते हाँ ठीक है हुण आप करते हैं अपना नैक्सट सम जो है नाइन्थ ते इस एक्सरसाइज का है सैकेंड लास्ट सम नाइन्थ सम की स्टेटमेंट है उन्हें दिता हुआ है बेटे बिंदु ए बी मिलाने वाला रेखा खंड ए है ए बिंदु है जो अपन दिता हुआ माइनस टू ते टू एन एक रेखा खंड है जो इतने बी है बी रेखा खंड है जो टू ते एट दिता हुआ है मिलाने वाले रेखा खंड नू ए बी नू चार बराबर भागों के वंडन वाले बिंदुओं के निर्देशक अंक है जो फाइंड आउट करो अपने को स्टेटमेंट जो दी हुई है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स कहिंदा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पता करो विच डिवाइड द लाइन सैगमेंट जेडे कि आह ए ते बी लाइन सैगमेंट हैगी है इसनू ए ते बी पॉइंट्स दे उत्ते करदे आ फोर इक्वल पॉइंट्स दे उत्ते यानी कि वन पार्ट्स हो गया टू पार्ट्स हो गया थ्री पार्ट हो गया फोर ए हो गया जेकर इस लाइन सैगमेंट की गल करिए अनुपात बनेगा इधरले पासे वन भाग है वन हो गया इधरले पासे थ्री है ठीक है इधरले पासे भी टू है इधरले पासे भी टू है इधरले पासे हुण थ्री आ गया इधरले पासे वन आ गया तो इस तरीके दे नाल मतलब कि आपां लाइन सैगमेंट है जिहड़ी इह अपने कोल एम वन है इह अपने कोल एम टू है इह अपने कोल एम वन है इह अपने कोल एम टू है इह अपने कोल एम वन है इह अपने कोल एम टू है अपने कोल एक्स वन है वाई वन है एक्स टू है y2 है तो आप की करेंगे एक एक करके आप कटते हैं इन्होंने जो है कोऑर्डिनेट्स x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बाय m1 m2 ठीक है तो m2 पहले नंबर से अपने को लवेंगे आप थ्री एक्स वन है जी अपने को माइनस टू एम वन अपने को वन एक्स टू है जी अपने को हैगी है टू बाय वन प्लस थ्री आप आह स्टेटमेंट है जी सोर्ट आउट कर रहे हैं प्लस माइनस माइनस थ्री टू ने मल्टीप्लाई किया सिक्स टू ने वन ने मल्टीप्लाई किया टू थ्री ते वन ने ऐड किया फोर प्लस माइनस 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 फोर बाय फोर इन्हू कटेंगे अपने को आ जाएगा माइनस वन ये अपने को एक्स का कोऑर्डिनेट्स आ गया हूँ वाई का कटेंगे एम टू वाई वन एम वन y2 टू बाई एम वन एम टू ठीक है तो एम टू अपने को दिता हुआ बेटे थ्री वाई वन है जो अपने को दिता हुआ टू एम वन दिता हुआ वन वाई टू दिता हुआ अपने को एट बाई एम वन अपने को वन दिता है थ्री दिता है थ्री वन जा टू इज इक्वल टू सिक्स एट वन जा वन इज इक्वल टू एट फोर बन गया एट दे विच सिक्स आप एड कर देंगे ये बन जाएगा फोरटीन बाय फोर एनू आप कटांगे टू दे उत्ते सैवन बन गया टू आ गया यानी कि अपने को आ गया माइनस वन सैवन बाय टू
एक्स ते वाई दे पहली लाइन सैगमेंट दे अपन कोऑर्डिनेट्स है जिहड़े ओह फाइंड आउट हो गए। हुण आपां इस लाइन सैगमेंट दे कोऑर्डिनेट्स है जिहड़े ओह फाइंड आउट करांगे। हुण अपने कोले एम टू है जिहड़ा ओह टू बन जाएगा, ठीक है। एक्स वन अपने कोले सेम ही रहेगी, एम वन भी अपने कोले टू बन जाएगा, एक्स टू है जिहड़ी ओह अपने कोले टू रहेगा। एम वन टू बन गया, एम टू टू बन गया, ठीक है। टू वन जा टू इज इक्वल टू माइनस फोर बन गया, प्लस टू वन जा टू इज इक्वल टू फोर बन गया, बाय फोर आ गया, प्लस माइनस यह कटा गया, जीरो बटा जीरो बाय फोर इज इक्वल टू जीरो हो गया। हुण एम टू है जिहड़ी ओह अपने कोले टू दित्ती हुई है, वाई वन भी टू दित्ती हुई है, एम वन भी टू दित्ती हुई है, वाई टू है एट दित्ती हुई है, बाय टू प्लस टू, टू वन जा टू इज इक्वल टू फोर बन गया, एट वन जा टू इज इक्वल टू सिक्सटीन बन गया, बाय फोर आ गया। सिक्सटीन दे विच फोर आप ऐड कर देंगे अपने को आ जाएगा ट्वेंटी, बाय फोर इन कट्टेंगे तो अपने को आ गया फाइव। तो अपने को सैकेंड लाइन सैगमेंट है जेडे वो आ जाएंगे जीरो ते फाइव। ऐसे तरीके दे नाल ही हुण आपां थर्ड नंबर दे उत्ते आंदे लाइन सैगमेंट है जेडे वो पता करांगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करांगे। तो अपने को एम टू है जी अपने को वन बन जाएगा, एक्स वन है क्योंकि इतने वन दिता हुआ, हम आप सोर्ट आउट कर रहे हैं। एम एक्स वन है जी माइनस टू दिती हुई है, एम वन थ्री दिता हुआ, एक्स टू अपने को टू दिता हुआ, यह बन गया थ्री प्लस वन, प्लस माइनस 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 टू बन गया, प्लस थ्री वन जै टू इज इक्वल टू सिक्स, फोर प्लस माइनस माइनस फोर बाय फोर बन गया, कट के वन आ गया। तो अपने को एम टू है जी वन दिती हुई है, वाई वन है जी टू दिती हुई है, एम वन है जी थ्री दिती है, वाई टू अपने को एट दिता हुआ, ए बन गया थ्री वन, टू वन जा वन इज इक्वल टू टू, एट वन जा थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर, बाय फोर, ट्वेंटी फोर दे विच टू आप ऐड कर देंगे ट्वेंटी सिक्स बाय फोर, एन टू से सबट्रैक्ट करेंगे थर्टीन बाय टू। तो अपने को लाइन सैगमेंट है जेडे कोऑर्डिनेट्स थर्टीन बाय टू, थर्ड नंबर से अपने को कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इस तरीके दे नाल बेटा नाइन्थ सम है जेडा ये तुहाडा सोर्ट आउट होना सीगा। उम्मीद करते हैं कि तुहानू ये पढ़ाउण दा तरीका वधिया लग्गिया होवेगा। नैक्सट चलते हैं आपां लास्ट सम दे वल जो है टेंथ। टेंथ सम, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करो जिस दे शिखर इस क्रम दे विच हन। तो अपन एक सम चतुर्भुज दिती हुई है, फाइंड द एरिया ऑफ रोमबस, रोमबस का सम चतुर्भुज कहते हैं रोमबस नूं, रोमबस का मतलब कि एरिया क्षेत्रफल पता करना। इफ द वर्टेक्स आर दिस 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 एंड दिस टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। तो अपन मतलब कि एक सम चतुर्भुज दिती गई है, सम चतुर्भुज के शिखर दिते गए अपन ए बी सी ते डी। जो ए पॉइंट दिता है बेटे उन्होंने अपन दिता अपन थ्री ते जीरो, जो बी पॉइंट दिता है वो अपन दिता है फोर ते फाइव, जो सी पॉइंट दिता है वह दिता है माइनस वन ते फोर, जो डी पॉइंट दिता है वह दिता है माइनस टू ते माइनस वन। टेंथ विच की है उसने अपनो एरिया फाइंड आउट करने के लिए किया। तो आप की करेंगे पहला आप ए ते सी दे विचकार दी दूरी है जी फाइंड आउट करेंगे, बी ते डी दे विचकार दी दूरी है जी डिस्टेंस है जी फाइंड आउट करेंगे। तो जे असी ए पॉइंट लवेंगे तो बन जाएगा थ्री सी, जे सी पॉइंट लवेंगे वन ते फोर बन जाएगा। पहला आप ए सी फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके दे नाल दूरी का फार्मूला लगेगा एक्स टू माइनस एक्स वन स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्केयर। तो मैं तुम दसा सी आ एक्स वन होंगे वाई वन होंगे आ एक्स टू होंगे वाई टू होंगे, ठीक है। तो एक्स टू है जी बेटे अपन दिती हुई है माइनस वन, एक्स वन है जी अपन दिती हुई है थ्री द स्केयर बन गया, वाई टू है जी अपन फोर दिती हुई है, वाई वन जीरो दिती हुई है, तो यह बन गया माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस फोर द स्केयर बन गया, यह बन गया अपने को फोर द स्केयर।
तो एक ही हो गया माइनस माइनस का प्लस हो गया, फोर द स्क्वायर 16 हो जाएगा अपने को, ऐसे फोर द स्क्वायर भी 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू अपने को आ जाएगा 32। 32 नु अपन मतलब क्या इस तरीके दे नाल लेंदे एलसीएम लेके फैक्टर बना सकते हैं, 16 बन गया, 2 ते गया 8 बन गया, 2 ते गया 4 बन गया, 2 ते गया 2 बन गया, तो इन विच आ जेड़ा सिंगल 2 बच गया 2 नु 2 ले लेंगे, 2 वन सा 2 इज इक्वल टू 4 बन गया, 4 नु अपन करनी घट इस तरह स्क्वायर रूट दे विच कर लेंगे, तो आ जेड़ा 4 है ये इस तरह बन जाएगा, जब इन मल्टीप्लाई करना होंदा तो ये बन जाता 4 मल्टीप्लाई आह जो करनी घात दिती हुई है जब वर्गमूल का साइन दिता हुआ यह भी एस 4 के बराबर ही होंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 2 4 वन सा 4 16 16 वन सा 2 32 तो आह चीज बन जाएगी। हम आप की करेंगे आप बी पॉइंट लवेंगे, बी पॉइंट अपन दिता 4 से 5, आप डी पॉइंट लवेंगे, डी पॉइंट दिता अपन माइनस 2 से माइनस 1, आप बी डी कटा फार्मूला लग जाएगा एक्स 2 माइनस एक्स 1 स्क्वायर प्लस वाई 2 माइनस वाई 1 स्क्वायर, ठीक है, तो अपने को यह एक्स 1 बन गया, यह वाई 1 बन गया, यह एक्स 2 बन गया, यह वाई 2 बन गया, एक्स 2 है जी है गया माइनस 2, एक्स 1 है जी है गया 4 द स्क्वायर प्लस वाई 2 है माइनस 1 है गया माइनस 5 द स्क्वायर, तो इनका बन जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा माइनस 6 द स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा माइनस 6 द स्क्वायर बन जाएगा, जब इन सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन गया 36 बन गया, ए भी 36 बन गया, तो ए बन गया 72। 72 का जो वर्गमूल आप हल करेंगे 2 बन गया 36 बन गया, 2 ते गया 18 आ गया, 2 ते गया 9 आ गया, 3 ते गया 3 आ गया, 3 ते गया 1 आ गया, तो इन भी अपने को 2 बन गया आज जो, हाँ जी इतने अपने को 2 3 बचते, 2 3 बचते हैं, 2 2 बचते हैं, तो आप की करेंगे एक 3 नू 2 नाल जोड़ देंगे, दूजे 3 नू भी 2 नाल जोड़ देंगे, 3 वन सा 2 इज इक्वल टू 6, तो कल नहीं कर 6 बन गई, तो इतने बार 6 आ गया, अपने को दोनों के मतलब की जो डिस्टेंस हैगी फाइंड आउट हो चुकी है, तो उसने अपन एरिया पूछा सीगा रोम्बस का, तो आप हम रोम्बस का जोड़ा एरिया है उसनों फाइंड आउट करा, अपने को जो एसी सी वो अपने को 4 अंडर रूट 2 आ गया, जो अपने को बीडी है वो अपने को 6 अंडर रूट 2 आ गया, तो अपने को रोम्बस एरिया इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स बन जूगा, या फिर पंजाबी दे विच आपां करिए सम चतुर्भुज दा क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णा दा गुणनफल, ठीक है, तो विकर्ण केड़े-केड़े बन गया अपने को दिस वन अते दिस वन, ये बन गया 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 2 बन जाएगा, तो इन आप मान लो मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 वन सा 4 इज इक्वल टू 24 24 नु जब आप 2 ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बाय 2 इन कटेंगे तो अपने को आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है 24 आ जाएगा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਮਤ ਕਿ ਆਪਾਂ 4 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਕਰਦੇ ਆਂ, 4 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ 24 ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 24 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ 48 ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ 2 ਸੀਗਾ 2 ਨੂੰ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 24 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू अपने को कितना आ गया 24, यानी कि सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो अपने को 24 आ गया, इस तरीके से बेटा यह सम है जो सॉर्ट आउट होने से, उम्मीद करता कि तुम्हें मेरा यह पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा,
जे तुम मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल में सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नैक्सट क्लास के फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज लैके। अज लिए इन्ना ही। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय।